बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। सामने कौन? वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। क्या करती हैं आप? इंजीनियर हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी। वाओ, चलिए मुझे बताएं, एक तालाब में 7 मछलियाँ हैं, उसमें से 2 मर गई, बाकी कितनी रह गई? 7ों की 7 ही रह गई। और मर गई वो भी तो तालाब में ही है ना। वाह, क्या सुनाएंगी? तालियां पहले बजाएं, पहले तालियां बजाएं। मैं मैसेज देना चाहूँगी गवर्नमेंट को इंजीनियर्स के लिए कि हम लोग पाकिस्तान में इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सालाना इतने लोग बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह से जॉब्स नहीं हैं। हम लोग फारिग फिर रहे हैं, बहुत बुरा मुझे लगता है, मुझे बहुत दुख होता है। खुद मैं भी जॉबलेस हूँ, मैंने रीन्यूएबल में किया है जिसका पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। तो हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना हम अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं और उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं मिलता, तो दुख होता है। अब गवर्नमेंट चूँकि जॉब्स प्रोवाइड करने का उसने वादा किया है, तो मैं चाहूँगी, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें, एक तो पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी आए, इतनी पोल्यूशन हो गई है, तो जिससे हम कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कम करें, इतनी गर्मी होगी इसकी वजह पोल्यूशन ही है। तो पहले तो मैं ये अपील करूँगी कि प्रोजेक्ट भी ऐसा हो जिससे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो, उसके बाद दूसरा ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट होगा तो फिर हमें जॉब्स मिलेंगी, हमारे लिए ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। थोड़ा ज़रा इस तरफ भी ध्यान दें, ठीक है घर बना रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन का, बहुत अच्छा है, बट इससे रिलेटेड अब कुछ इलेक्ट्रिकल में भी कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए, कुछ पावर में डैम्स बन रहे हैं, आई एम वेरी होपफुल कि हमें इंशाल्लाह फ़ायदा हो उससे। थैंक यू। नाइस, ये लीजिए लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया, ऐसे जब पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो हमारे यूथ जब आगे आएगी तो डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ेगा, तो यकीनन हमें जो है वो इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मंसूर। आपका नाम? मोहम्मद जिया। कौन सी क्लास? आप क्या करते हैं? बिजनेस। चले मुझे बताए, एक तालाब में 7 मछलियाँ थी, 2 मर गई, बाकी कितनी रह गई? 5। तालाब में कितनी? 7 मछली, 2 मर गई, बाकी कितनी रह गई? तालाब में 7 मछली होती नहीं, तालाब में चले एक्सपोज करें हैं 7, 2 मर गई, बाकी कितनी रह गई? 5 ही रह जाती। सवाल पे गौर करें, बाकी कितनी रह गई? बाकी कितनी रह गई? कोई बात नहीं, क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज ये है कि हम लोगों को अपनी दुनिया के साथ साथ दीन की भी फिक्र करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, और उसमें सबसे पहली बात ये कि हमें नमाज की फिक्र करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, बाकी मामलात अपने दुनिया के चलाएं, आएं जाएं घूमें फिरें, लेकिन असल जो बात है वो दुनिया दीन दुनिया के साथ साथ अपने दीन की भी फिक्र करें और नमाज पढ़नी चाहिए। हमती दमती चलना, हमती दमती करना, वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू। जी बहुत अच्छा, इन्होंने मैसेज दिया कि हमें दीनी जो ज़िंदगी को साथ लेके चलना चाहिए, 100% एग्री। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? हफ्सा निसार। क्या करती हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, पहले टीचिंग कर रही हूँ आजकल। क्या पढ़ाती हैं? मैथ्स बेस। चलिए मुझे बताएं, वो क्या चीज़ है जो आपके हाथों में होने के बावजूद आपके हाथ खाली रहते हैं? डिग्री है मेरे पास, लेकिन फिलहाल एज अ प्रोफेशनल मुझे फार्मेसी की जॉब नहीं मिल रही जो मैं चाहती हूँ, तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी कि हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स निकालें और हम लोगों को फ्री इंटर्न ही बेशक रख लें, लेकिन हमें जिस तरह MBBS वालों की हाउस जॉब होती है उस तरह हमारी भी कोई ट्रेनिंग की जाए ताकि हमें कोई एक्सपीरियंस हासिल हो, क्योंकि हम जब भी कहीं जॉब लेने जाते हैं तो हमें यही कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस अब हम कहाँ से लाएँ? तो फिर यही है, गवर्नमेंट चेंज हुई है तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि 5 साल लगाते हैं हम लोग भी MBBS वालों की तरह, लेकिन इन दी एंड जॉब नहीं मिलती, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके, थैंक यू। वेलकम जी, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, वाकई हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। का नाम? मेरा नाम भूबी। सबा। क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ। चले मुझे बताएं, एक वालिद ने अपने बेटे को गिफ्ट दिया और कहा, बेटा जब प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना और ठंड लगे तो जला लेना,
تو اس نے اس کو کیا چیز گفٹ کی تھی؟ براؤن کلر کی ہوتی ہے. ریسیپی میں پکوڑوں کی ریسیپی شیئر کروں گی. باریک باریک کتلے آلو کے کاٹ کے اس میں بیسن ڈالنا ہے, بیسن ڈال کے پھر اس میں اجوائن ڈالنا ہے, کارنفلور ڈالنا ہے اور اس کو دڑا مرچ ڈالنی ہے اور سوکھا دھنیا اور اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے. یہ انڈین پکوڑوں کی ریسیپی ہے. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. جی انہوں نے انڈین پکوڑوں کی ریسیپی بتائی, ضرور ٹرائی کرے گا کسی اور سے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ محمد علی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں امانہ مال میں جاب کرتا ہوں. چلیں مجھے بتائیں, ایک تالاب ہے اس میں 7 مچھلیاں ہیں, 2 مرغی, باقی کتنی رہ گئیں؟ 5. ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ میری محبوبہ, میری محبوبہ, میری محبوبہ, میری محبوبہ, میری محبوبہ. کسی روز تم سے ملاقات ہوگی میری جان, اس دن میرے ساتھ ہوگی, مگر کب نہ جانے یہ برسات ہوگی. میرا دل ہے پیاسا, میرا دل اکیلا, ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ میری محبوبہ, میری محبوبہ, میری محبوبہ, میری محبوبہ, میری محبوبہ. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو. جی ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ, ویسے ایک بندہ مجھے ایک تصویر دیکھ رہا ہے اس میں سے واقعی نکل رہا ہے, آپ کیا کریں, آلو ڈر کے بھاگ جائیں گے. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لینی پڑے گی آپ سے اجازت. بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ مجھے آج, اور اب امانہ مال میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے مزے کی چیزیں بن گئی ہیں. یہ کاؤنٹر جو ہے یہ آئی تھنک نیو بنا ہے, اور ادھر کا جو ٹی ببل ٹی, واو, تو میں بھی یہاں سے لوں گی ببل ٹی. اسے دیکھا کہ میم میرے بارے میں بات کر رہی ہیں تو اس نے فٹافٹ جو ہے وہ مزے کی باتیں کرنا شروع کر دیں, اپنی ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیں. یہ میرا فیوریٹ کارنر ہے, آپ کو پتا ہے, یہاں سے میں چپس اور جو ہے وہ سٹا کھاتی ہوں. چلے جی شکریہ, بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ, انجوائے کیا. امانہ مال میں بہت زیادہ رش ہے, بڑے پیارے قسم کے جو لوگ تھے ان سے ہم نے باتیں کی تھی. آپ کے آج کے 2 سوال ان کا دوں گی میں ابھی آپ کو جواب. وہ کیا چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھ خالی رہتے ہیں؟ تو وہ ہے گلوز. ٹھیک ہے, وہ ہوں بھی تو ہاتھ تو خالی ہوں گے نا. اور دوسرا سوال, ایک باپ نے بیٹے کو چیز دی کہ بیٹا اسے پیاس لگے تو پی لو, بھوک لگے تو کھا لو, ٹھنڈ لگے تو جلا دو, تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے ناریل. بہت سارا خیال رکھیں. پھر پروگرام بوجھو تو جیتو جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار شام کو 7 بجے دیکھیں, جو اگلی صبح 5 اور 11 بجے رپیٹ ہوگا. دیکھنا نہ بھولیں. مجھے اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیں. اللہ حافظ.